वेलकम टू बैचलर्स कुकिंग। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे एग बटर मसाला। ये जो रेसिपी है ये मैंने गुजरात के बड़ोदरा में खाई थी। बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनी हुई, काफी ढेर सारे बटर के साथ बनी थी लेकिन काफी टेस्टी थी। इसके लिए हमें क्या चाहिए, एकदम बारीक कटा हुआ कांदा या अनियन, एकदम बारीक कटा हुआ टमाटर, ढेर सारा बटर। इसके अलावा मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ थोड़ा गर्म मसाला, थोड़ा काली मिर्च पाउडर, थोड़ी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, बटर तो चाहिए ही, साथ में नमक, थोड़ा हरी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे और उबले हुए अंडे का। तो बनाना शुरू करते हैं एग बटर मसाला। इसके लिए क्या करना है, बड़ा मैंने जैसे आपको बताया ना बड़ा डिफरेंट तरीका है, सीधे पैन में बारीक कटा हुआ अनियन डालना, नो ऑयल नो नथिंग, सीधे अनियन। और अनियन डालने के बाद टमाटर डाल दें, और टमाटर डालने के बाद वहां पर जो मैंने देखा था वहां पर चार अंडों के लिए कम से कम 150 ग्राम बटर डाला जाता था, लेकिन हम लगभग 50 ग्राम बटर डालेंगे इसमें। और बटर डालने के बाद अब इसको मिक्स कर लें और अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च स्वाद अनुसार। लगभग दो हरी मिर्च है मेरे पास बारीक कटी हुई, ये डाल देता हूं इसके अंदर और इसको एक बार और मिक्स कर लें। और जब तक ये प्याज टमाटर कुक हो रहे हैं हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई मसाले। ड्राई मसाले में सबसे पहले थोड़ी सी हल्दी, लगभग एक चौथाई चम्मच, आधा चम्मच धनिया पाउडर, लाल मिर्च स्वाद अनुसार आधा चम्मच डाल देता हूं मैं, थोड़ी सी काली मिर्च आधा, और साथ में आधा चम्मच के लगभग गरम मसाला। और इसके बाद नमक स्वाद अनुसार डाल दें आप और इसको मिक्स करें। अब क्या करना है हमें, ये बॉइल्ड एग है मेरे पास, इसके गोल गोल स्लाइस काटने हैं, इस तरह से स्लाइस काट के इसके अंदर डाल दें, इसी तरह से दूसरे अंडे के भी स्लाइस काट लें आप। और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके कुक कर लें ताकि जो सारे मसाले हैं उनका फ्लेवर अंडे में आ जाए। थोड़ा सा इसको आप क्रश कर लें और हाई फ्लेम पे एक्स्ट्रा मॉइस्चर सूखने तक थोड़ा इसको कुक करना है। लगभग एक मिनट आप इसको पकाएं चलाते हुए। तो एक मिनट हो गया है और जो हमारा अंडे हैं उसमें सारा जो मसालों का फ्लेवर है वो भी भर गया है। तो अब हमें क्या करना है, फ्लेम करें वन और इसको सर्व करें। कभी कभार के लिए बहुत अच्छी डिश है, जरूर ट्राई कीजिएगा, रोज रोज ना खाएं, इतना सारा बटर खाना ठीक नहीं है। वैसे हमने जैसे बनाया कम बटर में बनाया था वैसे अगर आप बनाएं तो आप इसको खा सकते हैं, संडे के संडे खाइए, बहुत अच्छी डिश है, टेस्ट के लिए खाइए। कम बटर का इस्तेमाल करते हैं या ऑलिव ऑयल या तेल का इस्तेमाल करते हैं तो आप रोज भी खा सकते हैं, तो जरूर ट्राई कीजिएगा एग बटर मसाला।